अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, 8th इंग्लिश उर्दू मीडियम के ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो इंग्लिश वर्कशॉप लैंग्वेज स्टडी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इस वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ट्रीज़ ट्रीज़ यानी दरख्त को कहते हैं। काइंडेस्ट रहम दिल। बॉज बड़ी टहनी, बड़ी डाल। हेलोवीन ईसाइयों का एक त्यौहार। बीम्स रोशनी की शुआएँ, सूरज की किरणें को भी बीम्स कहते हैं। हम गुनगुनाना। ड्राउजी ख्वाब आलूदा यानी ख्वाब में भरा हुआ। लल्लाबाय यानी लोरी, लोरी जो बच्चों को सुनाई जाती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट ये फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी ट्रीज़ बर्ड्स और एनिमल्स को कैसे सर्व करते हैं। ट्रीज़ बर्ड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी एनिमल्स काउज। यहाँ पर ये इसके चार अलग अलग पांच पॉइंट दिए गए हैं। यानी दरख्त क्या करते हैं, पहले शेड देते हैं जानवरों के आराम करने के लिए, सोने के लिए। ट्रीज़ गिव फ्रूट्स, दरख्त फल देते हैं। बर्ड्स गैदर ऑन देयर बॉस, परिंदे इनकी टहनियों पर, बड़ी डालियों पर जमा होते हैं। ट्रीज़ गिव वुड टू बिल्ड हाउसेस, दरख्त यानी झाड़ क्या करते हैं, लकड़ी देते हैं घर बनाने के लिए। ट्रीज़ गिव लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, हैलोवीन के रोज़ पत्ते जलाने के लिए दरख्त पत्ते भी देते हैं। चलिए देखते हैं सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ का दूसरा एक हिस्सा है। विच पार्ट ऑफ द ट्री ग्लो फर्स्ट एट सनराइज, यानी तुलू आफ्ताब के वक्त, सूरज के निकलने के वक्त कौन से पार्ट दरख्त के या झाड़ के ग्लो करते हैं, चमकते हैं। ग्रीन बर्ड्स ग्लो फर्स्ट एट सनराइज, जो हरे कलियां होती है या हरे कोंपले होती है वो पहले चमकती है, ग्लो होती है सनराइज़ यानी सूरज के तुलू होने के वक्त। व्हाट डू ट्रीज़ डू फॉर स्मॉल किड्स, दरख्त बच्चों के लिए क्या करते हैं। ट्रीज़ हम ड्राउजी लल्लाबाय फॉर स्मॉल किड्स। आपने गौर कभी ये किया होगा कि शाम के रात के वक्त अगर हवा चलती है तो दरख्त की जो भीनी भीनी आवाज़ होती है, पत्तियों की आवाज़ होती है, तो ऐसा लगता है कि वो लोरी सुना रहे हैं। पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स डेट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखना है जैसे कि फन, नो, नाव, साइट, फ्लाई। चलिए पहला देखते हैं फन। फन बिगन सन। उसके बाद दूसरा नो, कैन ओ डब्ल्यू नो, और ग्रो जे आर ओ डब्ल्यू ग्रो। ये राइमिंग वर्ड्स यानी हम खाफिया लफ्ज़ एक जैसी आवाज़ निकलने वाले, सूती अल्फाज भी कह सकते हैं। नाव काव बाव। उसके बाद साइट लाइट नाइट, फ्लाई स्काई लल्ला बाय। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको ऐसी लाइंस ढूंढना है जो पिक्चर क्रिएट करती है, यानी जिसमें आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे पिक्चर क्रिएट हो रहा है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पर क्या, इसका आंसर क्या है, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, यानी दरख्त क्या कर रहे हैं, सोने वाली जो गाय है उसके लिए एक शेड तैयार कर रहे हैं। दूसरे का आंसर क्या है, एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और पत्ते जमा करते हैं हैलोवीन के रोज़ जलाने के लिए। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, और ये पहले होते हैं जब जो सूरज की किरणें हैं वो सुबह सुबह निकल कर दरख्तों की कोंपलों पर जाती है। चौथा, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और ये सबसे आखिर में होते हैं जब ये रोशनी को पकड़े रखते हैं शाम से रात होने के वक्त जो रोशनी फैलती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम ड्राउजी लल्लाबाय, और जब मून यानी चांद फ्लोट्स ऑन द स्काई ये आसमान में तैरता है, फ्लोट के माने तैरना, दे हम ड्राउजी लल्लाबाय, वो क्या करते हैं एक ड्राउजी ये ख्वाब आलूदा या फिर सुला देने वाली लोरी गाते हैं। अगला है फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी ड्रा यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है, काउज, न्यू बर्ड्स, सन, लल्लाबाय एंड ट्रीज। चलिए देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं। स्लीपी काउज, काउज कैसी है, स्लीपी सोने वाली। न्यू बर्ड्स, न्यू बर्ड्स कैसे है, ग्रीन है। मॉर्निंग सन, सन कौन सा है,
मॉर्निंग है, सुबह सुबह निकला है। ड्राउजी लल्लाबाई, काइंडेस्ट ट्रीज, काइंडेस्ट थिंग्स, स्लीपी चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं, फिक आउट द लाइन्स डैट मीन द फॉलोइंग। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स, ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, ट्रीज आर मोस्ट लवेबल, किड्स लव टू लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम द ट्रीज, एंड ट्रीज लिव अ सिंपल लाइफ। पहला है एंड स्प्रेड अ शेड फॉर द स्लीपी काउस। दूसरा है दे गिव अस फ्रूट्स एंड लीव्स अबो। तीसरा है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। चौथा है दे हम आर ड्राउजी लल्लाबाय। और पांचवा है दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट लिविंग थिंग्स कैन कॉज हार्म टू वन अनदर, नेम एनी फाइव। व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस। हैलोवीन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज ऑन 31st October। व्हाट इज द सीजन देयर। व्हाई डू थिंक इज देयर अ नीड टू बर्न लीव्स ऑन हैलोवीन। अभी पहले का जो मतलब है, यानी कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है। दूसरे का ट्रीज़ को हार्मलेस क्यों कहते हैं। तीसरे का 31st October को जब हैलोवीन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सीज़न कौन सा होता है और पत्ते क्यों जलाए जाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। पहले का आंसर लिविंग थिंग्स हार्म वन अनदर, कौन कौन सी चीज़ है, ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग। दूसरा ह्यूमन बींग टू एनिमल्स। तीसरा एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ह्यूमन्स। चौथा बर्ड्स टू जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। पांचवा ह्यूमन बींग्स टू ट्रीज। अब देखते हैं ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस, क्यों कहते हैं। ट्रीज आर हार्मलेस बिकॉज दे नेवर हार्म एनीथिंग, दे हेल्प ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, दे कीप एनवायरनमेंट क्लीन, दे आर हेल्पफुल टू द अर्थ एंड लिविंग बींग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ट्रीज आर हेल्पफुल एंड हार्मलेस। दरख्त हार्मलेस है, क्यों, क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। दे हेल्प ऑल द लिविंग थिंग्स, वो ऑन द अर्थ, वो दुनिया में मौजूद, ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों को हेल्प करते हैं। दे मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर, वो नेचर का यानी फितरत का बैलेंस मेंटेन करते हैं। दे कीप एनवायरनमेंट क्लीन, वो एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। दे आर हेल्पफुल टू द अर्थ एंड लिविंग बींग्स, वो दुनिया के लिए, ज़मीन के लिए और यहाँ के जानदारों के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। ट्रीज आर हेल्पफुल एंड हार्मलेस। ट्रीज जो है, दरख्त है, बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है और हार्मलेस है, वो किसी को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुँचाते। लास्ट आंसर है हैलोवीन फेस्टिवल के दो पॉइंट थे। द सीज़न ऑटोमन इन वेस्टर्न कंट्रीज इज़ ड्यूरिंग अक्टूबर, यानी मौसम ख़िज़ा जो है ये अक्टूबर में आता है, उसी वक्त हैलोवीन फेस्टिवल होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। दे थिंक देर इज़ अ नीड टू बर्न लीव्स ऑन हैलोवीन टू मेक फायर एंड टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स फ्रॉम देयर लाइफ। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग सोचते हैं कि हैलोवीन के दिन आपको पत्ते जलाना चाहिए और उसे फायर करना चाहिए, यानी आग जलानी चाहिए, ताकि एविल स्पिरिट जो होते हैं उसे भगाया जा सके, वार्ड ऑफ किया जा सके, जो शैतानी रूहें हैं, और उनकी ज़िंदगी से उसे दूर किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ये कुछ लैंग्वेज स्टडी के एक्टिविटीज़ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। इसमें काइंड में ER लगाएंगे तो काइंडर, और सुपरलेटिव में काइंडेस्ट, EST लगाना है। यह हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन ग्रामर के अलग वीडियो में से हम डिस्कस करेंगे। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पोएट कौन है, द पोएम इज़ रिटन बाय हैरी बेन। स्टैंजर्स कितने हैं, द पोएम हैज़ 8 स्टैंजर्स एंड 2 लाइन्स। राइम क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजर लाइन राइम, यानी राइमिंग वर्ड्स आते हैं। कंपेयर द पोएट कंपेयर ट्रीज विद थिंग्स ही नोज। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। और थीम सेंट्रल आइडिया क्या है, एज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स वी शुड फॉलो देम, दे आर हार्मलेस, वी शुड ऑल्सो बिकम हार्मलेस, दे हेल्प पीपल इन नीड, वी शुड ऑल्सो हेल्प पीपल इन नीड। ट्रीज क्या है, ये हमें ट्रीज की जो काइंडेस्ट थिंग्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, वो हार्मलेस है और हमें भी हार्मलेस बनना चाहिए, लोगों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। दे हेल्प पीपल इन नीड, यानी दरअसल क्या करते हैं, लोग जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मदद करते हैं, हमें भी लोगों की मदद करना चाहिए।
चलिए अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।